हाय गाइस, आई एम गणेश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकन स्कूल GGC। गाइस, आज क्लास एट्थ का लेसन नंबर टू, डे फोर्थ। क्लास एट्थ का लेसन नंबर टू है और डे फोर्थ है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण करो, उच्चारण कीजिए, इन सभी वर्डों का उच्चारण करना है। तो कस्मिंचित विचिन्ते साध्विदं क्षुधार्थ एच्युत्वा वयस्यन्तर्षत् मनसाम सिंह पद पद्धति संवानम प्रतिध्वनि। इस प्रकार से इन सभी वर्डों का आपको उच्चारण करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, एक पदेन उत्तरम लिखक, एक पद में इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहां तक मैं पहले भी बता चुका हूं सभी स्टूडेंट्स को, और फिर बता देता हूं कि हलंत और विसर्ग का ऑल स्टूडेंट्स को याद रखना है। हलंत और विसर्ग कहाँ लगाने हैं, बिल्कुल इस चीज का खासकर सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। तो देखिए, एक पद में उत्तरम, एक पद में आंसर उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्या है, के सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या था। चैप्टर आप रीडिंग पहले आपको उस रीडर की क्लास में लेनी है, ध्यान रखना। रीडिंग की क्लास संस्कृत रीडर के नाम से आपको मिल जाएगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उस क्लास में आपको रीडिंग की क्लास लेनी है, और रीडिंग की क्लास लेने के बाद ये क्वेश्चन आंसर्स की जो क्लास है ये आपको लेनी है। तो सिंह नाम के, सिंह का क्या नाम था, तो इसमें आ जाएगा खरनखर। क्या आ जाएगा, खरनखर। गुहाय स्वामी क्या आसीत, गुहाय स्वामी क्या आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, गुफा का स्वामी कौन था, ददीपुच। कौन था, ददीपुच, ददीपुच गुफा का स्वामी था। सिंह कस्मिन समय गुहाय समीपे आगत, सिंह कस्मिन समय गुहाय समीपे आगत, सिंह गुफा के समीप किस समय आया, तो इसमें आ जाएगा सूर्य अस्त समय। सूर्यास्त समय, ओके। हस्तपादिका क्रिया केशम ने प्रवर्तते, अर्थात हाथ पैर की क्रिया कब प्रवर्तित नहीं कर हो पाती है, कब प्रवर्त नहीं कर हो पाती है, अर्थात हाथ पैर की क्रिया कब कार्य करना बंद कर देती है, तो इसमें आ जाएगा जब भय, डर, डर जब लग जाता है किसी के कारण, तो डर लगने पर हाथ पैर की क्रियाएं काम करना, कार्य करना बंद कर देती है, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो ये देखिए, भय संत्र सत एक सेकंड, भय सत संत्र नाम, ओके, भय संत्र संत्र सतनाम, ठीक है, भय संत्र सत मनसाम। ओके गाइस, भय संत्र सत मनसाम, इसका अर्थ और इसका अर्थ सेम ही होगा, एक ही वर्ड है, इसीलिए इसका मतलब होता है हाथ पैर की क्रिया, हाथ पैर हस्तपादिका क्रिया केशाम ने प्रवर्तन्ते, अर्थात हाथ पैर की क्रिया कार्य करना कब बंद कर देती है, तो भय संत्र सत मनसाम, अर्थात जब व्यक्ति को डर लगने पर, किसी भी जीव को डर लग जाता है, तो उसके हाथ और पैर की क्रिया कार्य करना, हाथ और पैर कार्य करना बंद कर देते हैं, क्रिया करना बंद कर देते हैं। देखिए, गुहाम केन
गुहाम केन प्रतिध्वनिन, गुफा में से, गुफा गुहा केन प्रतिध्वनिन, गुफा में से किसकी आवाज, किन गुफा में, गुफा किन से गूंजने लगी, गुफा किस से अब गूंजने लगी, किसकी आवाज से गूंजने लगी, तो यहां आ जाएगा सिंह गर्जने, सिंह गर्जने, सिंह के दहाड़ने पर, शेर के दहाड़ने पर गुफा गूंजने लगी। पूर्ण वाक्य, अब थर्ड वाला क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ये अपने सामने देखिए 1 2 3 4 5 6 सिक्स क्वेश्चन है, इनके पूर्ण वाक्य में अपन को उत्तर देने देने किस प्रकार है, देखिए खरनखर कुत्र प्रतिवस्ती समय, खरनखर खरनखर कहाँ रहता था, तो इसमें आ जाएगा वने, तो अपन को कैसे लिखना है, खरनखर खरनखर वने प्रतिवस्ती समय, खरनखर कुत्र प्रतिवस्ती समय, खरनखर कहाँ रहता था, खरनखर वने प्रतिवस्ती समय, खरनखर वन में रहता था, निवास करता था। क्वेश्चन नंबर खै, मैथि गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंतत, मैथिम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंतत, विशाल मैथिम यानी विशाल, गुहा यानी गुफा, दृष्टवा देखकर सिंह यानी शेर, किम यानी क्या सोचने लगा, अर्थात विशाल गुफा को देखकर, विशाल गुफा को देखकर सिंह क्या सोचने लगा, तो इसमें वह सोचने लगा, मैथि गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत, मैथिम गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत, नूनम एतस्य एतस्य गुहाम वयम रात्रो कोयपि जीवम आगच्छति, मैतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतत, मैतिम विशाल गुफा को देखकर सिंह क्या सोचने लगा, मैतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतत, नूनम एतस्य गुहाम रात्रो कोयपि जीवम आगच्छति, अर्थात विशाल गुफा को देखकर, विशाल गुफा को देखकर सिंह सोचने लगा कि रात को निश्चय ही, रात्रि के समय निश्चय ही कोई जीव यहां आता होगा, कोई जीव यहां आता होगा, वह क्यों, वो क्यों चाहता था कि वह कोई ना कोई जीव आता होगा या आना चाहिए, वह इसलिए चाहता था क्योंकि वह भूख की तलाश में इधर उधर भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्रृंगाल किम अचिंत्यत, श्रृंगाल किम अचिंत्यत, श्रृंगाल क्यों क्या सोचने लगा, तो यहां आंसर हो जाएगा श्रृंगाल अचिंत्यत, श्रृंगाल अचिंत्यत, अहो विनस तो अस्मि, विनष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् अस्मिन् बिले बिले सिंह अस्तिति तर्क्यामि तत् किम
करवाणी तथ किम करवाणी। देखिए शिंगाल किम एचिंत, शिंगाल क्या सोचने लगा, शिंगाल एचिंत वह सोचा अहो विनष्ट अस्मि अर्थात तो मैं नष्ट हो गया हूँ, नूनम अस्मिन विले सिंह यह तो सिंका की गुफा है और अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं नष्ट हो गया हूं, यह वह सोचने लगा, इसका वह चिंतन करने लगा। शिंगाल कुत्र पलायत, शिंगाल कुत्र पलायत, शिंगाल कहां चले जाता है, कहां भाग जाता है, तो यहां आ जाएगा शिंगाल तत दूरम पलायत, शिंगाल तत दूरम पलायत। गुहा गुहा समीप, गुहा समीपागत्य शृंगाल किम पश्यति, गुहा समीपागत्य शृंगाल किम पश्यति अर्थात गुफा के पास आकर शृंगाल ने क्या देखा, क्या देखा शृंगाल ने, उसने देखा, देखिए गुहा समीपागत्य शृंगाल श्रृंगाल गुहायाम गुहायाम प्रविष्टा सिंह पद्धति पश्यति। गुहा समीपागत्य श्रृंगाल किम पश्यति, उसने गुफा के पास से मैं के पास आकर क्या देखा, तो गुहा समीपागत्य श्रृंगाल गुहाम प्रविष्टा सिंह पद पद्धति पश्यति, उसने वहां पास गुफा के पास में आकर देखा कि सिंह के पैर अंदर जाते हुए तो है प्रविष्ट, यानी अंदर जाना, अंदर जाते हुए तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उसने यह वहां देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कै शोभते, कै शोभते दिखाई दे रहा है ये, कै शोभते, तो यहां आंसर होगा कै शोभते यह अनागतम दुखस्य प्रतिकारम कुरुते से शोभते, से शोभते क्या शोभते, कौन सुशोभित है, कौन सुशोभित है, यह अनागतम दुखस्य प्रतिकारम कुरुते से शोभते, जो दुख के आने से पहले, जो विपदा के आने से पहले उस विपदा का, उस दुख का प्रतिकार सोच लेता हो, अर्थात जो उसका समाधान, उस समस्या का समाधान निकाल लेता हो, वह व्यक्ति सुशोभित है। तो गाइज ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड है, सेकेंड यहां कंप्लीट होने के बाद ये थर्ड क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है और ये यहां कंप्लीट हो जाता है, और अब आपके 5 डे की क्लास में फोर्थ क्वेश्चन है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, और ये वर्क आपको गाइस करना है अपने अपने नोटबुक में, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो इस वर्क को कंप्लीट कर लें, और रीडिंग की क्लास हमने आपको बता ही चुके हैं पहले भी, वो रीडिंग की क्लास आपको उसमें मिल जाएगी। ओके गाइज ये आपको वर्क करना है। ओके गाइज थैंक यू।